श्री हरमिंदर साहब सिख धर्मलंबियों का सबसे पावन धर्म स्थल है। यह सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है जिसे दरबार साहब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजार श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम से रखा गया है जिस निर्माण गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया गया जा चुका था, लेकिन भक्त और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बनाया दिया। जितनी बार भी इसे नष्ट किया गया और जितनी बार भी इसे बनाया गया है, उसे हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। अफगान हमलावर ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। महाराजा रंजीत सिंह ने इसे दोबारा बनाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। सन 1984 में हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मंशा रखने वाले एवं सैकड़ों निर्दोष हिंदू सिखों की हत्या आतंकी वाले ने भी आस्था के केंद्र हरमिंदर साहब पर कब्जा कर लिया और इसे अपने ठिकाने के रूप में प्रयोग किया। शुरुआत में आस्था का सम्मान करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अंदर घुसने से परहेज करने लगे। 10 दिन तक चले इस अंततः सेना को अंदर घुसकर ही इसी आतंक को खत्म करना पड़ा। आतंकी भिंडरांवाले और उसके साथी के पास से पाकिस्तानी निर्मित सैकड़ों भारी हथियार जब्त किए गए। 2017 में एक शहीद गैलरी में AGPC ने भिंडरांवाले को एक शहीद के रूप में पहचान देकर सबको चौंका दिया, भारत के अखंडता को ठेस पहुंचाई और सभी धर्मों के राष्ट्रवाद लोगों को उनके इस निर्णय से धक्का लगा। तो ये थी कुछ जानकारी गोल्डन टेंपल की। तो ये रहा लंगर घर। लंगर घर में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना मिलता है। यहाँ पे आप आके खाना खा सकते हैं। भूख तो बहुत ज़्यादा लग गई थी और मैं सोच रही थी कि कब दर्शन करूँ और कब खाने को जाऊँ, तो मैं खाना के लिए आ गई। खाना हो चुका है और फिर से मैं वापस अंदर जा रही हूँ। तो आप ये नज़ारा देख सकते हो, रात का टाइम में ये जो आप व्यूज़ है ना, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि चारों तरफ बहुत लाइटें लगी हुई है। ऐसा लगता है मानो कि दिवाली चल रही है। दरबार साहब के जस्ट राइट हैंड साइड में आप ये ब्लॉक देखेंगे, ये प्रसाद ब्लॉक है, तो यहाँ से लोग प्रसाद खरीदते हैं। रात के 10:30 बज चुके हैं और इस समय होता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी को बाहर लाया जाता है और वो लाते हैं डोली में।
आप यहाँ देख सकते हो कि डोलू में है गुरु ग्रंथ साहब जी आ रहे हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो अभी डोली में जितनी भी लगी हुई थी फ्लावर्स या फिर फूल वो सब उतार दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि गुरु ग्रंथ साहब जी को फिर से वो कपड़े में, मतलब उनको लपेटा जाता है, तो वो कपड़े चेंज करके और फिर ऊपर से ढक के वो मंदिर साहब का जो गेट है ना उसके जस्ट बगल में एक रूम बना हुआ है, वहाँ इनको ले जाया जाता है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहब जी है वो वहाँ पे ले जाया जा रहा है इनको। तो आप ये देख सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी को इसी दरवाजे के अंदर रखा गया। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अब गुरु ग्रंथ साहब जी को ला के टोली में यहाँ पे मतलब जो काल तख्त है उसके जस्ट यहाँ पे आप देखोगे एरिया में वहाँ रखा जाता है और इनको सजाया जाता है। तो फूलों से और जो डोली होती है उसको भी सजाया जाता है और उन जो गुरु ग्रंथ साहब जी है उनका कपड़ा चेंज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब जी को अब प्रकाश घर पर ले जाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।